भारत के कई हिस्सों में आज दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ और जयपुर तक धरती हिली। दरअसल आधे घंटे के भीतर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का पहला झटका 2:25 और दूसरा 2:51 पर आया। भूकंप के पहले झटके के रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता मापी गई, जबकि दूसरा झटका बहुत जोरदार था जिसकी तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। वहीं इस भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल के कांडा में बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। लखनऊ, देहरादून, जयपुर, बरेली और मुरादाबाद में भी भूकंप से धरती डोलती नजर आई। अगर बात करें बरेली की तो यहां जैसे ही धरती हिली तो लोग इसे भांपकर घरों, दुकानों समेत तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बाहर की तरफ दौड़े। इस दौरान हर कोई भूकंप को महसूस करने की बात कर रहा था, क्योंकि घरों, दुकानों और कार्यालयों में लगे वॉल फैन, सीलिंग फैन, झूमर और अलमारियों के दरवाजे जैसे तमाम वस्तुएं अचानक हिलने से लोगों को कुछ हरकत हुई। जब लोगों ने गौर किया तो भूकंप के तेज झटके समझ आए, जिसके बाद सभी बाहर की ओर पहुंच गए। ऐसा लगा मैं कुर्सी पर बैठा था, मदर मेरी पलंग पे थी, मिसेज मेरी पलंग पे बैठी थी, वो सब एकदम घबरा गया कि एकदम पलंग हिलने लगा था। मतलब ये भी नहीं है कि जो अलमारी के दरवाजे हैं वो तो हिल रहे थे। कितनी देर आओगे लगभग? दो मिनट का करीब है।